Hello students, in the last video, we have studied about the basics of Fourier transform and the concept of modulation. Okay, in this video, we will start with our main topic, our first main topic you can say, amplitude modulation. Okay, but before studying the amplitude modulation, we will define the modulation. Okay, so what is modulation? Modulation is the process in which one of the characteristics parameter of the carrier signal, okay, suppose amplitude or frequency or phase, will be varied with respect to message signal amplitude variation. Okay, so modulation aapka kya hai, ek process hai jisme one of the characteristics parameter of the carrier signal, that means it can be amplitude of carrier, it can be frequency of carrier, or it can be phase of carrier, okay, will be varied linearly with respect to the message signal amplitude variation. Okay, so agar carrier signals ke amplitude, phase or frequency linearly vary hote hain message signal ke amplitude variations ke karan, okay, to use hum kehte hain modulation. Okay, to yahan par अगर सपोज करिए आपका कैरियर सिग्नल कुछ इस तरह से है, CT इज इक्वल टू AC cos ओमेगा CT प्लस फाई. ओके, तो सपोज करिए अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी होता है बिकॉज ऑफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ओके, एंड ओमेगा C एंड फाई जो है वो आपके अगर कांस्टेंट रहते हैं, ओके, तो आप इस तरह के मॉड्यूलेशन को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. क्लियर है पॉइंट? नाउ सपोज करिए CT, अगेन मैं सेम इक्वेशन ले रहा हूं, AC cos ओमेगा CT प्लस फाई. ओके, नाउ आप सपोज करिए कि ओमेगा C जो है वो आपका वेरिएबल है और जो AC एंड फाई है दे आर कांस्टेंट, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है बिकॉज ऑफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. ओके, एंड लास्ट अगर आप बोले CT है आपका AC cos ओमेगा CT प्लस फाइ, एंड अगर आपका AC एंड ओमेगा C बोथ आर कांस्टेंट है एंड आपका जो फाइ है अगर वो वेरिएबल है ड्यू टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, तो उसे आप कहते हैं फेस मॉड्यूलेशन. ओके, तो ये आपका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन. क्लियर है पॉइंट यहां तक? नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जहां पर आपका कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका वेरी होगा ड्यू टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मैं कुछ आपको नेमिंग डिस्कस कर लूं एक बार. MT जो है आपका, जिसे आप जानते हैं मैसेज सिग्नल के नाम से, ओके, और आप जानते हैं इसे इंफॉर्मेशन सिग्नल के नाम से, ओके, और आप इसे एक नाम से और प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. नाउ एक और नाम है इसका एक्चुअल में, बेस बैंड सिग्नल. ओके, बेस बैंड सिग्नल. एक और नाम है इंटेलिजेंट सिग्नल. ओके, सो बहुत सारे नाम इसके यूज होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नेम यूज होते हैं, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग नेम यूज हो सकते हैं, बट सबकी जो मीनिंग है वो आपकी सेम है, मैसेज सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल और इंटेलिजेंट सिग्नल. ओके, नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन? इट इज एस टी is equal to AC 1 plus KA MT cos omega CT. Okay, इस amplitude modulated signal को बनाने के लिए जो हमने carrier signal use किया है, that is AC cos omega CT, and जो आपका message है वो है आपका MT. Okay, now यहां पर आपका KA क्या है? KA को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी. ओके, एंड इसकी जो यूनिट होती है दैट इज 1/वोल्ट. क्लियर है पॉइंट? नाउ यहां पर जो आपके सारे एम्पलीट्यूड है लाइक एसी,
ओके, इन सब की यूनिट आप लेके चलेंगे वोल्ट। नाउ एसटी को अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस एसी के ए एम टी कॉस ओमेगा सीटी। क्लियर है पॉइंट? नाउ ये जो आपका सिग्नल है इस पे आप देखिए आपके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका एसी कॉस ओमेगा सीटी और एक है आपका एसी के एम टी कॉस ओमेगा सीटी। ओके, अगर आप बात करें कि मॉड्यूलेशन का बेसिक एम क्या है तो वो ये है कि आपको मैसेज सिग्नल को सेंड करना होता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर विद द यूज ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। जो मेन सिग्नल होता है वो हमेशा ही मैसेज होता है, और कैरियर सिग्नल क्या होता है? कैरियर नाम से क्लियर है, कैरी करता है आपका मैसेज सिग्नल को फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ओके, तो आप यहां पर देखिए जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें आपका कैरियर का ही पार्ट है सिर्फ और सिर्फ, उसमें आपका मैसेज का कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है। बट जो सेकेंड सिग्नल है उसमें कैरियर भी आपको दिख रहा है और आपको मैसेज भी दिख रहा है। मीन्स ये जो आपका फर्स्ट सिग्नल है एक तरह से ये वेस्टेज है, ठीक है ना, ये सिग्नल आपका अवेलेबल नहीं होना चाहिए था, ये आपका अनवांटेड है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो आपका वांटेड होगा। ठीक है, तो इस अनवांटेड पार्ट के कारण क्या प्रॉब्लम्स होंगी या क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो हम लोग स्टडी करेंगे लेटर ऑन। ओके, अभी के लिए हमारे लिए हमारा कंप्लीट इक्वेशन है जिसे हमें एनालाइज करना है फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ यहां पर अगर सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम दैट इज SF, तो हम लोग यहां से बैंडविड्थ कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो यहां पर आप देखिए अगर मैं ले रहा हूं कि MT का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है MF वो एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगल है एक तरह से, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कंसीडर किया था, माइनस FM से प्लस FM जीरो MF। ओके, तो मैं यहां पर इसको कंसीडर कर रहा हूं MT का फोरियर ट्रांसफॉर्म MF। नाउ अब अगर मैं यहां से SF ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो हमें पता है कि SF जो है आपका वो ST का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ओके, सो ST जो आपका सिग्नल है वो क्या है? फर्स्ट है आपका AC cos ओमेगा CT। ओके, तो हमें AC cos ओमेगा CT का फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना होगा, प्लस आपको AC KAMT cos ओमेगा CT का फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर पहले मैं सेकेंड टर्म का फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करने वाला हूं। आपने जो लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आप दोबारा रिवाइज करें उस वीडियो को, तो मैंने आपको कहा था कि अगर कॉस के साथ कोई भी सिग्नल मल्टीप्लाई हो, जैसे कि यहां पर एमटी मल्टीप्लाइड है, एसी इंटू के आपके सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड है, उनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, तो कॉस के साथ अगर एमटी मल्टीप्लाइड हो तो जो आपका एमएफ है वो आपका एक बार राइट शिफ्ट हो जाएगा कॉस की फ्रिक्वेंसी से जो कि एफसी है, तो एक बार एमएफ आपका एफसी से राइट शिफ्ट होगा और एक बार एमएफ जो है आपका एफसी से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके आप डिवाइड बाय टू कर देंगे। तो होता क्या है एक्चुअल में फोरियर ट्रांसफॉर्म, एम एफ माइनस एफसी प्लस एम एफ प्लस एफसी डिवाइडेड बाय टू। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस एमएफ को एक बार राइट शिफ्ट करेंगे और एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर राइट शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, एफसी से ऐड करना होगा हर एक फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा आपका एफसी, दिस इज एफसी माइनस एफएम एंड दिस इज एफसी प्लस एफएम। ओके, नाउ सेम जब आप एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस एफसी माइनस एफएम माइनस एफसी एंड माइनस एफसी प्लस एफएम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि नेगेटिव साइड इज जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव साइड, अगर आपने नेगेटिव साइड ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले पॉजिटिव साइड ड्रॉ करिए और एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए, उसके लिए दोबारा से इक्वेशन का एनालिसिस मत करिए। ठीक है ना, जो जो फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स यहां पर आपके प्लस में थे सेम वो यहां पर माइनस में हो जाएंगे, जो यहां पर माइनस में थे वो आपके प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें जो कि है एसी कॉस ओमेगा सीटी, तो अगेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अगर कॉस के साथ सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड हो, मतलब कोई सिग्नल ना हो, तो आप क्या करते हैं, दो इंपल्सेस ड्रॉ करते हैं, एक प्लस फ्रीक्वेंसी पर, ओके, और एक माइनस फ्रीक्वेंसी पर, और एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय आप कर देते हैं टू। तो एम्पलीट्यूड क्या है आपका, एसी है, तो आप कर देंगे एसी बाय टू। ओके, तो ये आपके दो इंपल्सेस भी ड्रॉ हो गए। नाउ अगर मैं इस ट्रायंगल के
एम्पलीट्यूड की बात करूं तो जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड बाय 2 होता था, तो क्या हो जाएगा एसी के ए बाय 2। ओके, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा एसी के ए बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका एसी के ए बाय 2। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ये पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड है, वो एसी के ए बाय 2 है। इंपल्स का मैंने एसी बाय 2 बनाया, पर यहां पर मैंने इंपल्स एसी बाय 2 को हायर रखा है एसी के ए बाय 2 से। व्हाट इज द रीजन? इससे आपको एक पॉइंट अभी समझ में आ रहा होगा कि के ए शुड बी लेस देन 1। ठीक है, ये हम आगे जाके एनालाइज जरूर करेंगे कि के ए क्यों लेस देन 1 होना चाहिए, के ए का सिग्निफिकेंस क्या है, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी शुड बी लेस देन 1। ठीक है ना? नाउ अगर आप इस कंप्लीट डायग्राम को अब ध्यान से देखें तो देखिए पॉजिटिव साइड को, यहां पर देखिए आपका एफसी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, एफसी के ऊपर जो आपका टर्म है वो है एफसी प्लस एफएम, और एफसी के नीचे कितना गया है एफसी माइनस एफएम। ठीक है, तो जो एफसी के ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप नाम देते हैं अपर साइड बैंड, जो एफसी के नीचे वाला पोर्शन है उसे आप नाम देते हैं लोअर साइड बैंड। सेम नेगेटिव साइड में भी आप यही करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम बनकर आया है उसमें आप देखिए एक आपकी अपर साइड बैंड है, एक आपकी लोअर साइड बैंड है, और एक आपका कैरियर के रेस्पेक्ट में एक इंपल्स है। आप देख सकते हैं जो आपके इंपल्स जनरेट हुए हैं वो इस कैरियर वाले टर्म के कारण जनरेट हुए हैं। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल साइड बैंड, अपर एंड लोअर डबल हो गए विथ फुल कैरियर। फुल कैरियर मींस आपका एक एक्स्ट्रा कैरियर जनरेट हो रहा था। आप देख सकते हैं जो आपकी साइड बैंड्स है वो इस टर्म के कारण जनरेट हुई है एसी के एम टी कॉस ओमेगा सी टी, बट जो आपका कैरियर है उसके कारण जनरेट हो रहे हैं आपके इंपल्सिस। ओके, तो आप क्या कहते हैं डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर। तो बेसिक जो आपका एएम है, बेसिक जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इट इज डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर। ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करूं, तो बैंडविड्थ मैंने आपको बताया हुआ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड। तो जो बैंडविड्थ है वो आपकी क्या हो जाएगी 2 FM। ओके, तो ये आपकी स्टैंडर्ड बैंडविड्थ होती है बेसिक एएम की। ओके, सो यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें अचीव की हैं। एक है कि इस मॉड्यूलेशन टेक्निक का नाम होता है डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर, और एक कि जो बैंडविड्थ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 2 FM। ओके, नाउ अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दूं और मैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कंसीडर करूं, ओके एसटीएम। सो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन आपका होता क्या है, जब आपका एमटी जो होता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कंटेन करता है, सो आई विल टेक एमटी एज एएम कॉस ओमेगा एमटी। ओके, नाउ यहां पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में एमटी की वैल्यू एएम कॉस ओमेगा एमटी पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी। एम टी क्या है ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ओके इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ओके, क्लियर है पॉइंट यहां तक आपका? तो अगर अब मैं इस इक्वेशन में ध्यान से देखूं एक टर्म के ए इंटू ए एम, ठीक है, के ए की यूनिट क्या होती है 1/वोल्ट, एएम की यूनिट क्या होती है आपकी वोल्ट। मैंने आपको कहा है सारे एम्पलीट्यूड की यूनिट आपको क्या लेनी है वोल्ट, तो ये जो आपका के इनटू एएम है ये आपका यूनिट लेस है, और इसे हम एक नाम देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, यह आपको बताता है कि आपने कितना परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन अचीव किया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स कंसेप्ट से। ओके, सो यहां पर जो हमारा एस टी है वो क्या हो जाएगा ए सी, ओके 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी इन टू कॉस ओमेगा सी टी। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, आप देखिए ओपन करने पर कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी हो जाएगा, जो कि क्या होता है कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉस ए प्लस
b plus cos a minus b. ओके, सो यहां पर लिख दीजिए पहले cos omega c plus omega m into t plus cos omega c minus omega m into t. ओके, सो ये क्या हो गया cos a plus b plus cos a minus b divided by होता है आपका 2. ओके, सो cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b divided by 2 और जो आपका ac into ma है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हमने लिख दिया. ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट हो गया है स्टैंडर्ड सिंगल टोन मॉड्यूलेशन इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक. नाउ अब अगर मैं इसे ड्रॉ करने के लिए जाऊं इसका स्पेक्ट्रम अगर मैं ड्रॉ करूं यहां से, ठीक है, तो अगेन SF एंड आप देख सकते हैं अगर मैं पॉजिटिव साइड ड्रॉ करता हूं इसे तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है AC cos ओमेगा CT. तो अगेन आपको पता है जब भी cos के साथ एक एम्पलीट्यूड हो तो एक पॉजिटिव इंपल्स बनता है उस फ्रीक्वेंसी पर जो cos की है, तो क्या हो जाएगा FC और एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हम यहां पर नेगेटिव साइड भी साथ साथ में ड्रॉ कर लेते हैं एक्चुअल में, तो क्या हो जाएगा माइनस FC और ये क्या हो जाएगा AC बाय 2. ओके, नाउ अगर आप यहां पर ध्यान से देखें जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M into T और एम्पलीट्यूड क्या है AC MA बाय 2. तो आप देख सकते हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ cos का टर्म है और साथ में एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई है, कोई सिग्नल MT मल्टीप्लाइड नहीं है यहां पर, तो ये भी क्या बनेगा सिर्फ इंपल्सेस एक बार प्लस फ्रीक्वेंसी पर और एक बार माइनस फ्रीक्वेंसी पर. तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी FC प्लस FM, तो एक बार आपको बनाना है FC प्लस FM पर. ओके, और एक बार आपको बनाना है FC प्लस FM के माइनस, दैट इज माइनस FC माइनस FM पर. क्लियर है पॉइंट? नाउ इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप ध्यान से जो एम्पलीट्यूड है वो है आपका AC MA बाय 2. हमें पता है एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा AC MA बाय 4 AC MA बाय 4. क्लियर है? नाउ जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका वो है आपका FC माइनस FM. ओके, सो यहां पर आप बनाएंगे FC माइनस FM पर. ओके, और FC माइनस FM के नेगेटिव पर, दैट मींस क्या हो जाएगा माइनस FC प्लस FM. ओके, क्लियर है पॉइंट? नाउ इनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा सेम, सो AC MA बाय 4 एंड AC MA बाय 4. ओके, अगर आप यहां से भी बैंडविथ कंसीडर करें तो बैंडविथ क्या हो जाएगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, तो अगेन सेम है 2 FM. ओके, नाउ यहां पर अगर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से देखें तो देखिए FC प्लस FM that is correspond to upper side band, FC minus FM that is correspond to lower side band and FC that is full carrier. So again it is called as double side band with full carrier. हम पर तो amplitude modulation ही रहे हैं ना, उसपे हम लोगों ने single tone modulation का एक case लिया है, that's it, और कुछ नहीं है आपके लिए. Clear है point यहां तक आपको अच्छे से? Now अब अगर इस standard equation को जो ये आपका सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए आया है, सपोज करिए अगर मैं उसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं यहां पर, ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है आपका उससे अब अगर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए पावर कैलकुलेट करूं, ठीक है, पहले हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट की, अब हम पावर कैलकुलेट करेंगे. एक्चुअल में जो बैंडविड्थ एंड पावर है बोथ आर कॉल्ड कम्युनिकेशन रिसोर्सेस एंड दे शुड बी एस मिनिमम एस पॉसिबल. ठीक है ना, बैंडविड्थ मींस क्या है आपका स्पेस है, जितना कम स्पेस लगेगा सिग्नल को भेजने के लिए उतना बेटर है, पावर जितना कम पावर लगेगा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए उतना बेटर है. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट टर्म इज AC cos ओमेगा CT. ठीक है, cos या sin का पावर क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो यहां से जो आपका पावर आ जाएगा अगर मैं इसे टोटल पावर दू तो फर्स्ट टर्म का पावर है AC स्क्वायर अपॉन 2. ओके, नाउ सेकेंड टर्म देखिए अगेन cos ही है आपका और एम्पलीट्यूड AC MA बाय 2 है, तो cos या sin का पावर फिर से वही होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो AC MA बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा AC MA बाय 2 का होल स्क्वायर. ओके, तो AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 4 into 2 8 हो जाएगा. थर्ड टर्म का भी सेम होगा AC स्क्वायर
एम ए स्क्वायर बाय 8, ओके। सो ये आपका पावर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में जो पावर होता है ना, वो होता है आपका वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 2R इन केस ऑफ साइन एंड कॉस, ओके ना। जो एम्पलीट्यूड होगा आपका वो आरएमएस वैल्यू आप कंसिडर करेंगे, आरएमएस वैल्यू आपकी क्या होती है, ए अपॉन रूट टू, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। डिवाइड बाय आप क्या करते हैं, आर करते हैं, अगर एम्पलीट्यूड की यूनिट आप वोल्टेज दे रहे हैं तो, ठीक है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर। लेकिन जनरली हम कम्युनिकेशन में आर को वन लेके चलते हैं, इसलिए मैं यहां पर आर का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आर का इफेक्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर, ठीक है ना। अगर मैं यहां से अब पीटी को कैलकुलेट करूं, सो पीटी आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय टू, कॉमन हो जाएगा वन प्लस, आप देखिए यहां पर ये टर्म है ए सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाई 8 प्लस ए सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाई 8, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाय 4, ओके। सो ये कितना हो जाएगा आपका, एम ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय 2 आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। नाउ ये जो ए सी स्क्वायर बाय 2 है, अगर आप देखें तो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने कहा था कि आप कैरियर सिग्नल ले रहे हैं ए सी कॉस ओमेगा सी टी, तो कैरियर सिग्नल का पावर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये आपका ए सी स्क्वायर बाई टू लिखा है, ये आपका कैरियर सिग्नल का पावर है जो मॉड्यूलेशन से पहले है, ठीक है ना। तो पी सी वन प्लस एम ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाता है ऑफ टोटल पावर इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम ए स्क्वायर बाय टू। नाउ अब अगर मैं इस पावर का एनालिसिस करूं फॉर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, तो सपोज करिए अगर मैं यहां पर केस वन ले लूं और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू को अगर मैं जीरो ले लूं, ठीक है, एम ए इज इक्वल टू जीरो, तो आप देख सकते हैं पीटी क्या हो जाएगा, पीसी के इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि आपका मॉड्यूलेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ। एम ए क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन जीरो है, तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ। दैट मीन्स जो पावर है वो आपका कैरियर पावर ही होगा, कोई भी आपका मैसेज सिग्नल का पार्ट इसमें नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट। यहां पर अगर आप एक और पॉइंट यहां पर समझें, जो हमने पावर का ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिखा था, ये जो आपका फर्स्ट टर्म था वो कैरियर पावर को शो कर रहा था, बाकी के दोनों टर्म आपके साइड बैंड पावर को शो कर रहे थे, और साइड बैंड में ही तो हमारी मैसेज कंपोनेंट होते हैं ना, जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया है उसमें हमें पता है कि जो मैसेज वाला कंपोनेंट था, जो मैसेज वाला टर्म था, उसी के रेस्पेक्ट में आपकी अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो आपकी साइड बैंड्स वाले पावर है वही आपके यूजफुल पावर है बेसिकली, क्योंकि उसमें मैसेज वाला टर्म इंक्लूडेड है, ओके। सो यहां पर एक्चुअल में मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं, तो आपका जो टोटल पावर है वो क्या होगा, आपका कैरियर पावर होगा। क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं यहां पर केस टू कंसीडर करूं, सो केस टू में सपोज करिए अगर एम ए की वैल्यू आपकी वन है, दैट मींस 100% मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीसी ओके वन प्लस वन बाई टू। तो यहां पर पीटी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3/2 पीसी। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि जो टोटल पावर है वो 3/2 टाइम्स ऑफ पीसी है। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आप समझिए जो पीसी है वो कितना होगा, 2/3 टाइम्स ऑफ पीटी। इसका मतलब क्या है, जो पीसी है आपका 2/3 क्या होता है, 0.66, तो जो आपका पीसी है वो लगभग 66.67% ऑफ पीटी है, ठीक है ना। कैरियर पावर जो है वो लगभग 66.67% ऑफ टोटल पावर है, ठीक है। इसका मतलब 33.33% आपका क्या होगा, साइड बैंड पावर होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल पावर इज 100%, ठीक है। तो जो आपका पीएसबी है, साइड बैंड पावर है, वो क्या होगा, 33.33% ऑफ टोटल पावर। और मैं आपको लगातार क्या बोलते जा रहा हूं कि जो कैरियर वाला टर्म है वो तो अनवांटेड है, मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म कौन से हैं, साइड बैंड वाले हैं, क्योंकि उसी में ही मैसेज सिग्नल जा रहा है। तो जो साइड बैंड पावर है वो 33.33% है सिर्फ टोटल पावर का, ठीक है ना। 66.66% जो है वो कैरियर पावर है,
इसकी क्या मीनिंग है कि हम इतना सारा पावर उस टर्म को सेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं जिस टर्म को हमें सेंड करने की कोई नीड ही नहीं है। कैरियर टर्म को, हमारे पास दो टर्म थे ना, एक टर्म आपका कैरियर टर्म था, अगर आप इक्वेशन नंबर वन को फिर से फॉलो करें, एक टर्म आपका कैरियर टर्म था और एक टर्म आपका था ACKMT cos omega CT। तो कैरियर टर्म को सेंड करने के लिए हमें 66.67% पावर वेस्ट हो रहा है जो कि हमें सेंड ही नहीं करना था। तो आप यहां समझ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर, उसमें ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसे हम ओवरकम करेंगे आने वाली मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग इस बात को और ध्यान से समझें और एनालिसिस करें और एक न्यू टर्म डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। तो जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है वो होती है आपकी साइड बैंड पावर, ओके, ईटा इज इक्वल टू साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, ओके। तो यहां पर अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूं तो साइड बैंड पावर का फॉर्मूला क्या था, आपके साइड बैंड क्या थी, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, दोनों का एडिशन क्या था पावर का, AC स्क्वायर MA स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 था, ठीक है ना। ईच साइड बैंड का पावर था आपका AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 8, और जो PT जो टोटल पावर है उसका फॉर्मूला क्या था, PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2, ओके। हमें पता है कि PC की वैल्यू क्या होती है, AC स्क्वायर बाय 2, तो यहां से ऊपर नीचे से AC स्क्वायर बाय 2 एंड AC स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, MA स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ऊपर क्या बचा, MA स्क्वायर बाय 2, नीचे क्या बचा, 2 प्लस MA स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल, तो कितना बचा आपका, MA स्क्वायर अपॉन 2 प्लस MA स्क्वायर, ओके। सो ये फॉर्मूला होता है आपका मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का। नाउ अब अगर इस फॉर्मूले में मैं यहां पर MA की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो जो आपकी ईटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से देखिए, 1/3, ठीक है। तो यहां पर ईटा की वैल्यू आ जाएगी लगभग 33.33%, 0.33 ना, 1/3 इज 0.33, सो 33.33%। और आप देख सकते हैं जो MA इक्वल टू 1 आपने पुट किया था उसके रेस्पेक्ट में जो आपका साइड बैंड पावर है वो भी कितना आया था, 33.33%। तो बेसिकली जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है उसको अगर मैं फिर से यहां पर एनालिसिस करूं तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आपका ये बताती है कि टोटल पावर में से कितना पावर आपका साइड बैंड पावर है, ठीक है, और उसे अगर आप टोटल पावर में से माइनस कर देंगे तो आपको यहां से कैरियर पावर भी आ जाएगा। तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आपको बेसिकली ये बताती है कि टोटल पावर में से कितना पावर यूजफुल पावर है, क्योंकि साइड बैंड पावर ही क्या है आपका, यूजफुल पावर है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जो कि ये नहीं है। यहां पर देखिए यूजफुल पावर सिर्फ 33.33% है और जो अनयूजफुल पावर है वो 66.67% है, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट यहां पर। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग MA की वैल्यू 2 कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग यहां पर MA की वैल्यू 2 कंसीडर करते हैं तो ईटा कितना हो जाएगा आपका, MA स्क्वायर 4, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ईटा की वैल्यू 4/6, 2/3, दैट इज आप कह सकते हैं 66.67%। तो अगर मैंने MA को यहां पर बढ़ा दिया, 1 to 2 कर दिया, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो PSB है वो 66.67% ऑफ PT है। इसका मतलब क्या है, जो PC है, जो अनवांटेड पावर है, वो क्या हो जाएगा, 33.33% ऑफ PT हो जाएगा। इसकी क्या मीनिंग है, इसकी ये मीनिंग है कि जैसे जैसे आप MA को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना, आपका अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपका और अफेक्टिव बनता चला जाएगा, ठीक है ना। जो यूजफुल पावर है वो ज्यादा होगा, अनयूजफुल पावर कम होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें ये चाहिए कि जो MA हो वो क्या हो आपका, हाई हो। क्लियर है पॉइंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। नाउ अब अगर मैं फिर से यहां पर पावर के फॉर्मूले को लिखूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2, ओके। हमें यहां पर अच्छे से पता है कि जो पावर होता है वो सिग्नल का स्क्वायर होता है, ठीक है ना।
सपोज करिए अगर आपका सिग्नल करंट है तो पावर क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर। अगर मैं आर की वैल्यू 1 ले लू, जो मैंने आपको कहा है वह हम कंसिडर करने वाले हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अगर आपका सिग्नल वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू 1 ले लू तो पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज करिए मैं सिग्नल को अगर आई ले रहा हूं तो पावर क्या हो जाएगा, आई टी स्क्वायर इंटू आर, आई सी स्क्वायर इंटू आर, ओके 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 2। आर को आप 1 ले लीजिए और वैसे भी अदरवाइज यहां पर कैंसल हो रहा है, तो जो आपका टोटल करंट है यहां से वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा आई सी अंडर रूट 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2। ओके, तो बहुत इजी कैलकुलेशन था, हमने पावर के फॉर्मूले का यूज करके टोटल करंट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली जो आपका टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वी सी अंडर रूट 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो यह आपका करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। क्लियर है पॉइंट? ओके, सो ये आपका कंप्लीट वोल्टेज करंट एंड पावर का एनालिसिस है। ओके, नाउ अब अगर मैं अपना इक्वेशन नंबर 1 फिर से कंसीडर करूं, जो है आपका एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए एम। नाउ अगर मैं यहां पर फिर से सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कंसीडर करूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी। तो एस टी कितना हो जाएगा आपका ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। क्लियर है पॉइंट? हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है आपका, के इंटू ए एम। ओके, नाउ अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं उसको अगर हम लोग फिर से एनालाइज करें उसकी डेफिनेशन को, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ओके, तो आप देखिए जो कैरियर सिग्नल हम लोगों ने कंसिडर किया था वो क्या किया था, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। ओके, सो कैरियर का एम्पलीट्यूड बिफोर मॉड्यूलेशन कितना था आपका ए सी, कैरियर का एम्पलीट्यूड जो कि आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो क्या है आपका आफ्टर मॉड्यूलेशन, वो आपका ये है, देखिए ये कंप्लीट हो गया, जो कॉस का एम्पलीट्यूड होगा वही आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा आफ्टर मॉड्यूलेशन। बिफोर मॉड्यूलेशन क्या था, ए सी था, देख सकते हैं कॉस के साथ आपका ए सी था, यहां पर कॉस के साथ क्या है आफ्टर मॉड्यूलेशन ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी। क्लियर है पॉइंट? और आप देख सकते हैं ये जो आपका आफ्टर मॉड्यूलेशन है वो आपका मैसेज सिग्नल पर डिपेंड कर रहा है। एम ए का फॉर्मूला क्या है, के ए इंटू ए एम, ए एम क्या है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो बेसिकली आपका जो एम्पलीट्यूड है आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर का वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ए एस से डिनोट करूं तो वो क्या हो जाएगा, ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी। ओके, सो यहां से अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करूं मॉड्यूलेटेड सिग्नल का तो ए एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए सी 1 प्लस एम ए, हमें पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है पॉइंट? नाउ अगर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूं इसकी ए एस मिनिमम तो क्या हो जाएगा, ए सी 1 माइनस एम ए। क्लियर है, यहां पर कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस 1 होती है। क्लियर है, तो ए एस मैक्सिमम और ए एस मिनिमम है क्या, वो है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मिनिमम एम्पलीट्यूड। जबकि जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था बिफोर मॉड्यूलेशन वो फिक्स था ए सी, लेकिन आफ्टर मॉड्यूलेशन वो वेरी कर रहा है बिकॉज ऑफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाउ यहां से अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी डिनोट कर दूं तो आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, ठीक है ना, आपका एम ए और एम ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 2 ए सी इज इक्वल टू ए एस मैक्सिमम प्लस ए एस मिनिमम डिवाइडेड बाय, अगर आप ए सी के साथ जो 2 है उसको इस तरफ ले आए तो आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से मैं 2 इरेज कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग ए सी की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? सो
यहां से हमें AC की वैल्यू निकल गई जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 होगी, और ये मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड किसका है, आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है। क्लियर है पॉइंट? नाउ यहां से अगर मैं इक्वेशन नंबर ए में AC की वैल्यू अगर पुट कर दूं, ठीक है, तो आप देखिए और क्या मिल जाएगा हमें, AS मैक्सिमम इज इक्वल टू AC, कितना हो जाएगा, AS मैक्सिमम प्लस AS मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ओके, और ब्रैकेट में आपके साथ क्या है, 1 प्लस MA, तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, ब्रैकेट में 1 प्लस MA। क्लियर है पॉइंट? नाउ अगर आप ध्यान से देखें इस 2 को अगर आप इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2 AS मैक्सिमम इक्वल टू AS मैक्सिमम प्लस AS मिनिमम, ओके, आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस MA, फिर से क्या हो जाएगा आपका, AS मैक्सिमम प्लस AS मिनिमम। क्लियर है पॉइंट? नाउ यहां पर अगर मैं इस AS मैक्सिमम को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2 AS मैक्सिमम माइनस AS मैक्सिमम, सिर्फ AS मैक्सिमम बचेगा, और अगर AS मिनिमम को भी यहां ले जाऊं तो क्या बचेगा, AS मैक्सिमम माइनस AS मिनिमम, ठीक है, तो यहां से आपकी MA की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना, इस AS मैक्सिमम प्लस AS मिनिमम को आप लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो आपकी MA की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, AS मैक्सिमम माइनस AS मिनिमम डिवाइडेड बाय AS मैक्सिमम प्लस AS मिनिमम, ठीक है, तो यहां से हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का भी एक न्यू फॉर्मूला मिल गया, हमें के ए इंटू ए एम तो पता ही है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला, बट अगर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड नोन हो तो हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर दिस इज ए एस मैक्सिमम माइनस ए एस मिनिमम डिवाइडेड बाय ए एस मैक्सिमम प्लस ए एस मिनिमम। नाउ तो हमने यहां से इस एनालिसिस से हम लोगों ने दो फॉर्मूले क्रिएट किए, फर्स्ट इज ए सी एंड सेकेंड इज एम ए। क्लियर है पॉइंट? तो ये एनालिसिस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स इस एनालिसिस पे पूछे गए हैं, इन फॉर्मुलों पे पूछे गए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कंप्लीट बेसिक पार्ट पे जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में स्टडी किया है उस पर न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स स्टडी करेंगे, ओके। अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।